काजल और सन्ना के तमाम खातिनों हजरात को मोहब्बत और खलूस भरा फजाइल रमजान। हजरत सलमान रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वईज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। उसमें एक रात है शबे कदर जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उसके रोजे को फर्ज फरमाया और उसके रात को कयाम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया है। जो शख्स उस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स उस महीने में किसी फर्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में 70 फर्ज अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गम ख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खुलासी का सबब होगा, और रोजेदार के सवाब की मानिंद इसको सवाब होगा, मगर उस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वसीयत नहीं रखता कि रोजेदार को अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शाना एक खजूर से कोई अफ्तार करा दे या एक घूट पानी पिला दे या एक घूट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम या खादिम के बोझ को, हक ताला शाना उसकी मगफिरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और चार चीज़ें इसमें कसरत से रखा करो, जिनमें से दो चीज़ें अल्लाह ताला की रजा के वास्ते और दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं। पहली दो चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और अस्तगफार की कसरत है, और दूसरी दो चीज़ें ये है कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक ताला क़यामत के दिन मेरी हौज से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें रमज़ान का पूरा पूरा हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे बेशुमार इबादतें हों।